छोड़ लो मारे को। कहाँ छोड़ के भागी? मारे परिवार के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। हाँ ब्याह हो गयो है और तू अपने ससुराल जाने से मना ना कर सके है। जब हमारा ब्याह हमारे को याद ही ना तो क्यों मानूं मैं इस ब्याह को? शादी हमारे समाज में लड़कियों के जीवन में एक खास महत्व रखती है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को अपनी शादी हुए याद ही ना? ऐसे कौन से हालात हो सकते हैं जिसमें एक लड़की को यह पता ही नहीं चल पाया कि उसकी शादी हो रही है? यही बात जानने के लिए आज हम आपको राजस्थान के मोगरा गांव की कुसुम नामक 18 वर्षीय लड़की के साथ हुई घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। अरे ओ कुसुम, आई माँ। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा ये सब? हरी, इन कठपुतलियों और गुड़ियों से खेलने की उम्र ना है, सुने है तू मेरी बात? हाँ, हाँ। निकाल ये सब, चल। और तुम दोनों जाओ यहाँ से, और अब जाकर अपना सामान बांध ले, कल गांव जाना है ना? गांव काय माँ, मारे को ना जाना गांव, मारे को यहाँ खेलने दो ना माँ। भूल गई छोरी, दो दिन बाद तेरी दादी सा की बरसी है, हर साल तो इस वक्त तेरी परीक्षा रहती थी, तू गई ना है कई साल से, अब चल पढ़ाई भी खत्म हो गई है तेरी, चल अब। वो और तेरी बातें और यही गुड्डे गुड़ियों का खेल। पर माँ अभी तो हमारा पढ़ाई भी बाकी है और हमारे को कॉलेज भी जाना है, माँ मैं इस बार गांव ना जा सकूंगी, क्योंकि अगर गांव चली गई तो वापस आने तक कॉलेज के दाखिले की तारीख भी निकल जाएगी। उर्मिला, हाँ? अभी तक बताया ना छोरी को? अब गांव जाके तो पता चल ही जाना है ना। क्या पता चल जाना है माँ? कुछ ना छोरी, बस यही कि तुझे आगे जाके कितना पढ़ना है। हरे बाबू सा कह रहे थे कि अगर तुझे आगे पढ़ना है तो तू खुद जाके अपने दादा सा से बात कर लेना। तो माँ देख छोरी, हरे दादा सा तेरा बुरा तो ना सोचेंगे ना, और तू तो उनकी लाडली है ना, एक बार मिल तो ले, बात कर ले उनसे, हाँ नहीं तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे। छोरी चलेगी ना? पर माँ वापस जल्दी तो आ जाएंगे ना? बोलो ना माँ, वापस जल्दी आ जाएंगे ना? माँ बोलिए। अरे माँ क्या कर रहे हो? छोरी ज्यादा सवाल ना कर, ये गांव है शहर ना है तेरा, अरे लोग देखे हैं। अरे माँ वो देख, वो लता का ससुराल लागे है। हाँ। दादा सा दादा सा दादा सा बगड़ी कैसे हैं आप? दादा सा आपके तो सारे बाल सफेद हो गए। अरे 10 साल बाद शहर से आई है छोरी, बाल सारी उम्र काले थोड़ी रहेगी। अरे गंगा बाबू, हाँ ये बात तो आपने सही कही। घूंघट संभाल बिंदरी। दादा सा भारे को ना आपसे एक बात करनी है। छोरी बहुत काम पड़ा है, बाद में बातें कर लेना, चल जरा। आई चल जा, चल जा। और ये उठा ले चल। आजा बैठ बैठ। तारे माँ के बरसी का सारा इंतजाम अभी बाकी है और तारा छोरा सागरमल भी नहीं आ सका जोधपुर से। हाँ बाबू साहब, वो सागरमल को शहर में काम से छुट्टी ना मिली है, पर आप चिंता ना करो बाबू साहब, सब ठीक हो जाएगा। तो साहब वो रघुवीर की कोई खबर? हाँ हाँ, रघुवीर और उसके माँ बापू थारे माँ के बरसी पे आवे, वो तो इसी बार पूरी बात पक्की करना चाहवे। ये रघुवीर कौन है दादा सा? तू चुप छोरी, रघुवीर का नाम अभी बदले जा, अपने काम में लग जा। क्या हुआ छोरी?
माँ, लता का ब्याह बहुत जल्दी नहीं हो गया? ये बहुत गलत है। चुप कर छोरी, ऐसी बातें ना कर। माँ, मैं लता से मिलने जाना चाहूँ। देख छोरी, तेरी दादी सा की बरसी का सारा काम हो जाए फिर चली जाना मिलने। माफ कीजिएगा। अरे लता, तू अरे क्या कर रही है? पंडित जी। जी हम बागड़ी। खुश रहो बेटा। जी कल मारी दादी की बरसी है। अरे तू किस घर से आई है छोरी? सूरज भान मारा दादा सा है। अच्छा। मारे क्वाकर। अरे अरे बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। रघुवीर, अरे सुधर जा तू। कब तक ऐसी अपनी जिंदगी बिताएगा है? रोज यही तमाशा, कुछ काम धाम नहीं करेगा क्या? मारे को काम करने की कोई जरूरत ना है। हमारे घर पे लक्ष्मी जी का वास है। हमारे बाप के पास इतना पैसा है कि अकेले बैठ के खाऊ ना तो खत्म नहीं होने वाला। ए छोरा, तू नहीं सुनने वाला। अरे उर्मिला, खाना वाना तैयार है के ना? घनी खंबा। घनी खंबा जी, घनी खंबा। छोरी के पैरों में ठहराव ना है, सारा ऐसा ही नंगा रखे है। हाँ, पल्लू ना ले हुए है। जा जा छोरी, पैर छू। जीती रह। जीती रह, जीती रह। इतने दिनों के बाद मारे छोरी की बिंदनी को घर लेकर आए। अच्छा किया समधी सा। अब प्रेरणा करनी है। हाँ, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाया है। अब बुधवार को कुसुम को बिंदनी बना के हम अपने घर ले जाएंगे। हाँ क्या हो रहा है? कुसुम तो आप ही की अमानत है, जब चाहे ले जाइए। हाँ, ये सब झूठ है ना? भारा ब्याह कौन है माँ? बताओ ना, झूठ है ना? ये सब सच कह रहे हैं छोरी? ये तुम्हारे ससुराल वाले? हमारा ब्याह कब हुआ माँ? जब अचानक तेरी दादी सा का देहांत हो गया, पूरे घर में मातम का साया था। गांव के लोग कहने लगे कि ऐसे तो पूरी आत्माओं का वास होगा, इसलिए तारा ब्याह करा दी। छोरा आ गया हमको लेने के लिए, चलते हैं। थारी छोरी हमारे घर में बिंदनी बन के आ रही है, इसकी जरा चाल ढाल का ध्यान रखियो। कमागणी दोस्त, कमागणी बाबू सर। बस बस, कैसे हो जमाई सर? बस ठीक। कमागणी मास।
रघुवीर, अरे सुधर जा तू, कब तक ऐसी अपनी जिंदगी बिताएगा? अरे पंडित ज्ञान ना दे, ये काम करूंगा मैं। मारे को काम करने की कोई जरूरत ना है, मारे बाप के पास इतना पैसा है कि अकेले बैठ के खाऊ ना तो खत्म नहीं होने वाला। ये तो वही लड़का है जो मंदिर के सामने मारपीट कर रहा था। चलिए जी, चलो आज हो रहे, चलिए। कुसुम को अपनी शादी और पति के बारे में सच्चाई पता चलने पर वो मानसिक तौर पर सहम जाती है और अपनी माँ को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। आप समझते क्यों ना है, वो अच्छा आदमी ना है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे मारपीट करते हुए देखा है, और ना ही कोई ढंग से काम काज करे है, ना किसी की इज्जत करे है। वो मारपीट किया तो क्या हो गया, मर्द आदमी है हमारा दमास। और रही काम काज की बात, तो बिजली के घर आने के बाद आदमी कुछ कुछ करना शुरू कर ही देता है। सर बापू साहब उसके बाद भी ना बदला तो, हमारे को ले जाने के बाद भी उसका वही हाल रहा तो क्या होगा। कैलाश अपनी छोरी को चुप करा, उसका काम ना है ये सब सोचना। समझा छोरी नू, गांव में ऐसा ही होवे है। उस दिन जिस तरह से तूने मंदिर में मारो घूंघट उठाओ तो, मारो घरवालों देख लो तो तुम्हारे टांगे तोड़ देते। पहले तो ये सब ना मानती थी तू, तब में और अब में बहुत फर्क होवे है। अब सब कुछ एक जैसा नहीं रह गया। सब कुछ समझने से पहले पहले मारी शादी कर दी गई। मारा बीन जो मारे साथ बचपन में खेलता था, अब वो मुझे मारता है। तू कुछ करती क्यों नहीं, ऐसे कैसे जिएगी? और कर भी क्या सकती हूँ, यही तो हमारी रीति है। एक बात कहूं, तू बड़े बूढ़ों की तरह बात करने लगी है। बूढ़ों से याद आया, याद है बचपन में एक दिन तूने बुढ़िया बनकर मुझे कितना तेज चलाया था और मैं कितना तेज भागी थी। छुआ पा गए। पर तू रो क्यों रही है, अब तो मैं आ गया। ये देख, ये थारा एग्जाम का रोल नंबर है ना, तू फर्स्ट डिवीजन आई है। और देख थारा फोटो भी छपा है। थारी तो दाखिल कर जावेगी, 12वीं तक पढ़ाई है बिंदली को ना। मारे रघुवीर ने तो 10वीं के बाद खुद ही पढ़ाई छोड़ दी, जरूरत क्या थी उसे पढ़ने की। इतना बड़ा कारोबार है हमारा, हमारे छोरे से ज्यादा पढ़ी लिखी कैसे हो सके उसकी बिन्नी। लोग हमारे मुंह पर थू थू करेंगे, अब तो तुम्हारी छोरी हमारे घर में बिंदड़ी बन के नहीं आवेगी, हम नहीं ले जाएंगे। ऐसा ना कहो भाई, गलती हो गई हमारे से, माफ कर दो हमें। अभी जो हुआ सो हुआ, आगे से हमारी छोरी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगी भी ना। पापा साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुसुम फर्स्ट डिवीजन आई है, हमें उसे आगे पढ़ाना चाहिए। तू चुप रह छोरे, तूने ही कुसुम का दिमाग खराब किया है। सागर मल तू भीतर जा। अब एक शर्त पे हो सके है। जी बोलो आप। तुम्हारी छोरी 12वीं पास है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये दो चार जमात पड़ी है, बस इतने पता हो। हाँ जी, जैसे ही होगा। माँ आप ये कर रही हैं हमारे साथ, रघुवीर के परिवार ने कह दिया और आप लोग हमारे पढ़ाई लिखाई भी। तू चुप रह छोरी, जा अपने कमरे में, जा अंदर। ना दादा साहब, आप तुम्हारी को बचपन से इतना प्यार करे हैं, फिर अब क्या हो गया। दादा साहब रघुवीर बहुत ही गुस्से वाला लड़का है, हमेशा मारपीट करे है वो, हमारे जितना पढ़ो लिखो भी ना है। और उसके माँ बापू सा आप सबसे बहुत अलग है। सच कहूं तुम्हारे को तो बहुत डर लगे उनसे,
दादा साहब, बचपन के एक रिवाज की वजह से अगर मैं रघुवीर के साथ चली गई तो हमारी जिंदगी भी लता की जिंदगी की तरह तबाह हो जाएगी। कैलाश चुप करा अपनी छोरी को। कुसुम अब चुप ना रहेगी। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, मैं उसे उनके घर जाने ना दूंगा। सागरमल बस बहुत हो गया, निकल जा हमारे घर से। ना भाई साहब। ना कुसुम, मैंने ना रोक, ये लोग ना समझेंगे थारे को। पर बहना याद रखना, थारा ये भाई हमेशा थारे साथ है। भाई साहब, ना भाई साहब। सुन छोरी, तू जिद ना कर। भाई ये जिद ना है, आप हमारे को बस इतना बता दो, आज अगर आप हमारा ब्याह करते तो क्या रघुवीर जैसा लड़का ढूंढते? इधर कुसुम की मर्जी की परवाह ना करते हुए आखिर जबरदस्ती उसकी विदाई होने लगती है। बिछोरी, मारे यहां कठपुतली का काम ना चलेगा। हाँ। छोरे अभी से अपनी पिंदड़ी को काबू में कर ले, ये तो क्यों रे? छोड़ हमारे को। कुसुम दरवाजा खोल। ढूंढ से सौरभ को छान मार, किसी हालत में वो लड़की हमें मिलनी चाहिए। काले पोत कर चली गई। अरे हमारे रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाकर भाग गई छोरी। की सजा तो भुगतनी पड़े। सरपंच जी, संभाला इसको।
कि हमारे बिरादरी के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार। छोरी, हमारा ब्याह हो गयो है। जब हमारा ब्याह हमारे को याद ही ना, तो क्यों मानूं इस ब्याह को? आप इसे ना कर सके, ये गलत है। हारा और थारे परिवार का हुक्का पानी बंद। हर गांव के लोग अपने भले बुरे के लिए पंचायत के फैसले पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उचित यही है कि पंचायत हर एक को सही रास्ता दिखाए, हर मामले में दोनों पक्षों के बारे में सोचकर और कानून को मद्देनजर रखकर ही कोई फैसला सुनाए। इधर पंचायत के फैसले के बाद एक तरफ कुसुम के घर के बाहर गांव के कुछ लोग पहरा देने लगे और दूसरी तरफ उनका हुक्का पानी बंद हो जाने पर कुसुम और उसके परिवार का खाना पीना और जीना दूभर हो रहा था। अरे गांव के किसी कुएं से पानी ना लेने देंगे। मैं तो जा कर रही हूं, मैं लेके आ रही हूं। पर कुसुम इन बातों के दबाव में आकर हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर एक रास्ता बंद हो चुका था तो वो दूसरे रास्ते ढूंढ निकालने की कोशिश किए जा रही थी। पानी अगर गांव के कुएं से नहीं मिल रहा था तो कुसुम कई मील चलकर दूसरे गांव से लेकर आ रही थी। अब तक हरी भिंदनी के साथ कम शक्ति बरती जा रही थी, क्योंकि हरे परिवार की इस गांव में एक इज्जत है, पर थारी बिंदनी कुसुम वो तो हद से आगे बढ़ती जा रही है। मैं कुसुम छोड़ दूँ थारी को? चल तू। ए छोरी, अब तो अच्छे से रहेगी ना अपने बिंद के साथ? हरे को जबरदस्ती इस जगह से कोई लेके ना जा सके है। मतलब कि ये छोरी अपने बिंद के साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए सजा के तौर पर हम पंचों का सबसे पहले फर्ज बनता है कि इसे समझाएं कि एक औरत का उसके बींद के बिना के हाल होता है। बस देखा बिंदड़ी, बींद बचाने ना आवे तो क्या हालत होवे है? अगर इस बगत पंचायत के आदेश पर सबके सामने रघुवीर हमारी ऐसी बेइज्जती होते देख सके, मैं कैसे मान लूं कि वो अपनी बिंदड़ी की इज्जत बचाने के लायक है भी कि नहीं? जब तक ये छोरी पूरे गांव से और इस पंचायत से माफी ना मांग ले और जब तक ये अपने बीर के साथ जाने को राजी ना हो जाए, तब तक इसे इसी तरह भूखे प्यासे इस पेड़ के साथ बांध कर रखा जाएगा। हमारे को बचाना भाई साहब, हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे भाई साहब। कुसुम, यही है हमारी मैडम जी, इन्हीं के बारे में मैंने थारे को रास्ते में बताया था। नमस्ते। नमस्ते। सागर ने मुझे पहले भी थोड़ा बहुत बताया था, अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैडम जी, हमारे को तो बस आजादी चाहिए उन लोगों से। देखो कुसुम, उस शादी की कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। पर मैडम जी, वो लोग तो उसी ब्याह को मानकर हमारे जान के पीछे पड़े, क्या कोई ऐसा तरीका ना है जिससे कानूनी तौर पर उनसे छुटकारा भी मिल जाए और हमारे को सुरक्षा भी मिल जाए? इसका एक तरीका है, मैरिज एनुलमेंट, यानी कि वॉइड मैरिज। लेकिन इसका मतलब मैडम जी? इसका ये मतलब होता है कि कानूनी तौर पर ये कह देना कि तुम्हारी शादी कभी हुई ही नहीं थी,
ऐसा करने से तुम्हें एक कानूनी कागजात मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि तुम कभी शादीशुदा थी ही नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें रघुवीर की रजामंदी भी चाहिए होगी, क्योंकि उन कागजात पर उसके भी सिग्नेचर चाहिएंगे। फिर तो मैडम जी ये कभी ना हो पाएगा, क्योंकि रघुवीर कभी राजी ना होगा। तो इसका एक ही तरीका है। कुसुम अब मैरिज अनलमेंट करना चाहती थी। मैरिज अनलमेंट का मतलब है कानूनी तौर पर यह सिद्ध करना कि शादी कभी हुई ही नहीं थी। ऐसे में यह सवाल उठ सकता है कि डिवोर्स और मैरिज अनलमेंट में फर्क क्या है। फर्क यह है कि डिवोर्स से एक शादी जो हुई थी उसे खत्म की जा सकती है, और मैरिज अनलमेंट से यह बताया जाता है कि शादी हुई ही नहीं थी। कानून के अनुसार अगर शादी होने के वक्त शादी के संयुक्त कोई भी कानून का उल्लंघन हुआ हो तो ऐसे में मैरिज अनलमेंट प्रदान की जा सकती है। शादी के वक्त कानून का उल्लंघन मतलब लड़का या लड़की का पहले से शादीशुदा होना या फिर मानसिक तौर पर संतुलित ना होना, शारीरिक संबंधों के लायक ना होना। पर कानून अभी भी गांव में लागू कहां हुए थे? मजिस्ट्रेट साहब, अब बस आप ही का आसरा है। उन लोगों से गांव वाले मिले हुए हैं। हेलो, सब थारी वजह से इनकी ये हालत है। पर अब ना होने दूंगी, इनके साथ और कुछ ना होने दूंगी। आप सब जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आप सबकी सारी बातें मंजूर है मारे को, पर मारे परिवार को बख्श दो, इन्हें और तकलीफ ना दो। तो तू रघुवीर की बिंदनी बनकर उसके घर जाने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। सर मारे परिवार को छोड़ दो। मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर्स हैं, ये शादी गैर कानूनी है। देखिए, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे गांव के रीति रिवाज के बीच बाहर वालों का कोई काम नहीं। चले जाओ यहां से। मैडम जी, ये सब तेरी बिंदनी की वजह से हुआ है। ठहर, मैं देखती हूँ। हमारे पास और कोई उपाय न था। हमारे पास भी बस एक ही उपाय है। हमारे को इस झूठे रिश्ते से आजादी चाहिए। तुम सबने जितना अत्याचार किया है उसकी वजह से तुम सारे लोगों को जेल हो सकती है। अगर तू चाहता है कि ऐसा ना हो तो शहर आकर कोर्ट के कागजात पे साइन कर जाना। ऐसी रूढ़िवादी सोच और ख्यालों के खिलाफ जाना कानून और कानून के रखवालों के लिए भी अक्सर कठिन हो जाता है। ये काम आसान नहीं है, पर निरंतर कोशिश से ये मुमकिन हो सकता है। इसके लिए हम अगर ऐसे गांव के हर घर में शिक्षा उपलब्ध करा सकें तो आज के बच्चों के जरिए कल के बड़ों की सोच में बदलाव लाने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। इधर डीजीएम के ऑर्डर्स पर आए हुए पुलिस और नारी निकेतन संचालिका को भी हालात की वजह से वापस जाना पड़ा। कुसुम की आगे की जिंदगी का रुख अब भी अनिश्चित था। रघुवीर, तुम कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आखिर हुआ क्या था? कुसुम जी, आपको आज कैसा लग रहा है? आज मारे को आजादी महसूस हो रही है। जिंदगी में आगे जाकर ब्याह जरूर करूंगी, और वो भी माँ बापों की इच्छा से।
पर इसमें भारी भी रजामंदी जरूर शामिल होगी और किसी न किसी दिन गांव जाकर गांव वालों को इन दकियानुसी रीति रिवाज के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। अब आप क्या करना चाहते हैं? कुसुम का कहना था कि एक तरफ जहां उसने सबको माफ करने का सोच लिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके मुताबिक इस समस्या का हल सिर्फ सजा के द्वारा नहीं बल्कि उसकी जड़ तक जाकर ही निकाला जा सकता है। कुसुम की तरह अगर उसके माँ बाप, दादा साहब और गांव के लोग भी शिक्षित होते तो शायद कई लड़कियों की जिंदगी बहुत ज्यादा सुखद और स्वस्थ होती। इसी उम्मीद के साथ कि हम हर हाल में सावधान रहेंगे, सुरक्षित और स्वस्थ भी, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।